राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो क्या देश की संपत्ति को बेचना राष्ट्रभक्ति हो सकता है? बुलडोजर एक दर्शन है, बुलडोजर एक धर्म और संस्कृति का हिस्सा बन गया है, बुलडोजर आज एक हथियार है, आज निजीकरण भी एक बुलडोजर का एक रूप। मंच पर आसीन सभी सम्मानित मित्र और सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, बातें काफ़ी हो गई हैं तो इसलिए भी बहुत कम है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बोलने को। बहुत ही संक्षेप में मैं अपनी बात पर आऊं, आज हम बुलडोजर को लेकर जो विभिन्न तरह से चर्चा कर रहे हैं, बुलडोजर एक मशीन होती है, मशीन पुरानी बिल्डिंगों को ध्वस्त करने के काम में लाई जाती है या अवैध निर्माण कहीं हो रहा हो उसको गिराने के काम लाई जाती है और उस मशीन का उपयोग प्राय जो ध्वंस भी होता है वो निर्माण के लिए होता है। जब हम पुरानी को गिराते हैं तो वहां हमको नया निर्माण कर रहे होते हैं, ये उस मशीन का इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन आज बुलडोजर केवल एक मशीन नहीं है, बुलडोजर एक विचार बन गया है, बुलडोजर एक दर्शन है, बुलडोजर एक धर्म और संस्कृति का हिस्सा बन गया है, बुलडोजर आज एक हथियार है। और वो केवल इस शक्ल में नहीं है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि केवल एक मुसलमानों पर या समुदायों पर एक टारगेट करके उनके घरों को गिराना, ये चीज़ें देखी गई हैं। लेकिन दिल्ली में जब जहांगीरपुरी इलाके में वहाँ बुलडोजर चला तो वहाँ केवल मुसलमानों की दुकानें नहीं गिरी, बहुत सारे हिंदुओं की भी दुकानें थी, वो भी वहाँ दुकानें चलाते थे, उनकी दुकानें भी गिरी। तो राहत इंदौरी का वो शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। तो जब ये बुलडोजर चलता है तो वो केवल टारगेट भले ही एक समुदाय विशेष हो लेकिन वो अपनी जद में दूसरी चीजों को भी वो समेटता है। लेकिन मैं इस बुलडोजर की व्यापकता को दूसरे अर्थों में भी देख रहा हूं। वीपी साईनाथ जी ने बहुत गंभीर और लंबा वक्तव्य भी दिया था, उन्होंने बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा किया। निजीकरण को लेकर आज निजीकरण भी एक बुलडोजर का एक रूप है और उसमें जिस तरह से जो सरकारी संस्थान हैं उनको बेचा जाना और वो बेचे जाना, एक तरफ हम देशभक्ति की बात, देश की संपत्ति को बेचना क्या राष्ट्रवाद का कोई कदम हो सकता है? लेकिन उस संपत्तियों को बेचने से जो दलितों पर, आदिवासियों पर और ओबीसी पर जो प्रभाव पड़ा, ये कि जो आरक्षण कि जिसके लिए वो एक प्रतिनिधित्व के रूप में वो मांग उभर रही थी कि ये आरक्षण हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है, ये रिजर्वेशन नहीं है, ये अधिकार है, उस आरक्षण को कैसे समाप्त किया जाए उसका एक रास्ता कि जो जो निजीकरण जहां जहां होता चला जाएगा सरकारी संस्थानों का, वहां आरक्षण अपने आप खत्म होता चला जाएगा, वो एक बुलडोजर था।
दूसरा चीज जो एजुकेशन में हम देखेंगे, जितने इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट खड़े हुए उन्हें हम दुकानें कह सकते हैं, कि अधिकांश वो इंजीनियरिंग के मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं और या मेडिकल के भी आ रहे हैं उसमें। और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ये गौर करने की चीज़ ये है कि वहाँ ह्यूमैनिटीज के विषय नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। और जब भी सामाजिक राजनीतिक प्रतिरोध की आवाज़ें जब भी उठती हैं, वो अधिकांश लोग वो ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र से आते हैं। ये मैनेजमेंट के लोगों को, साइंस के, मैथमेटिक्स के, उन लोगों के पास इतना अवसर नहीं होता, वो लोग उतना प्रतिरोध में नहीं आते। आते हैं उन क्षेत्रों से भी, लेकिन कम होते हैं। अधिक अनुपात उन ह्यूमैनिटीज का होता है। लेकिन जितने इंस्टीट्यूशंस को आप देखेंगे गौर करके, वहाँ ह्यूमैनिटीज के विषय कम पढ़ाए जा रहे हैं। विशेष रूप से मैं दिल्ली के आसपास ही बात करता हूँ, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, नोएडा में है, उन सब में हिंदी एक विषय के रूप में बहुत कम पढ़ाया जा रहा, हिंदी साहित्य नहीं पढ़ाया जा रहा, बहुत कम है। और हैं तो वहाँ पर पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, जो रिक्रूट किए जाते हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो विद्यार्थियों को वो खुद लाएं। तो ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरा एक चीज़, अभी कुछ दिन पहले मैं फेसबुक पर पढ़ रहा था, किसी का एक दर्द था, कोई बिहार के एक आदमी का, कि एक बच्चा एडमिशन लेने के लिए आया है दिल्ली में और उस फीस इतनी ज़्यादा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है, इतनी ज़्यादा फीस है कि वो फीस नहीं दे पा रहा और इस कारण से वो अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाया। तो ऐसे में वो याद करते हैं लोग कि JNU जैसी जगह जहाँ बहुत कम पैसे में लोग पढ़ पाते हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, उड़ीसा के, दूसरे दूर दराज के गरीब लोग, चाहे वो दलित हैं, चाहे आदिवासी हैं, पिछड़े, कोई भी गरीब किसी भी समुदाय का है, वो लोग आकर कम से कम वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो किस तरह से ये एक सरकारी इंस्टीट्यूशंस को, और इस नई शिक्षा नीति में जिस तरह से आ गया कि वह अपने आप रिसोर्सेज खुद जनरेट करें, अपने संसाधन, उनकी ग्रांट कम कर देना, तो ये शिक्षा का जिस तरह से महंगा होता चला जा रहा है, ये एक बुलडोजर है। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें सोचने की एक ज़रूरत है कि यदि ये स्थिति रहेगी, ऐसे में पढ़ेगा कौन, शिक्षित कौन करेगा होगा। और जो चीज़ अभी अपूर्वानंद जी ने उठाई, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे सोचने के लिए है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जागरूक नहीं है, वो तो भक्त बनेगा, वो अभी कांवड़ ढोएगा, वो तो ये सारे काम करेगा। जो शिक्षित होगा, जागरूक होगा, वो अपने अधिकारों की बात भी करेगा, वो रोजगार की बात भी करेगा, वो न्याय की बात भी करेगा, वो अपनी अस्मिता के लिए भी लड़ेगा। तो ऐसे में कोशिश ये होती है कि लोग ना पढ़ पाए। और जिस साईनाथ जी ने जिक्र किया था सेकेंडरी लेवल की स्कूल, सरकारी स्कूलों का, इस चीज़ को, सच्चाई को हम जानते हैं। मेरी पत्नी सेकेंडरी स्कूल की अध्यापिका रही, मेरी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ाती है। लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा दोनों को, कि वो बच्चों को, उनको मोबाइल पे किस तरह से उनको पढ़ाना है तो नहीं है उनके पास में, इंटरनेट नहीं है, और वो मुझे कहने में शर्म आ रही है कि मेरी पत्नी नहीं, मैं उनसे पूछता था तो बहुत सारे अध्यापक स्टूडेंट की झूठी अटेंडेंस की रिपोर्ट भेजते थे कि बच्चों के पास है ही नहीं।
वो शामिल ही नहीं हुए। एक मोबाइल फोन ज्येष्ठ से रखा होगा, उसके पिता के पास में है, पिता कहीं काम पे गया है, आएगा, तीन बच्चे हैं, अब वो सबको चाहिए अपना अपना काम करने के लिए, जो भी हो बताया जा रहा है, तो वो बच्चे कहीं इधर उधर कर कोई कुछ नहीं पढ़ पा रहे। वो इस चीज को देखा, मेरी बेटी बताती थी, बच्चों के पास पूछते थे तो कह रहे हैं कहीं हमारे यहाँ मोबाइल नहीं है, किसी का इंटरनेट नहीं है, वहाँ पर लाइट नहीं है, उन जगहों पर कहीं कुछ नहीं है, इंटरनेट की सुविधा उनके पास में नहीं है। तो ये सब दिक्कतें, और अब ये फीस का महंगा हो जाना और ये सब चीजें हो जाना, ये कई रूपों में बुलडोजर काम कर रहा है हमें केवल। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये है जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, कि हम सांप्रदायिकता हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, और हम उसको गहराई से समझ रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक ये जो जातिवाद है, जब तक हम उसको नहीं तोड़ते, जब तक हम उसको खत्म नहीं करते, उस मोर्चे पर नहीं लड़ते, तब तक हम सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई को सशक्त रूप से नहीं लड़ सकते। हम सांप्रदायिकता को खत्म नहीं कर सकते उस जातिवाद को बनाए रख करके, क्योंकि जो बहुत सारा तबका, बहुत सारा वर्ग, वो इस ऐसे चक्र में फंसा हुआ है, और उनका इस्तेमाल हो रहा है। मैं बहुत सारे चीजों को आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, अपनी अपनी तरह से हम लोग देखते हैं कि विशेष रूप से दलितों का वर्ग, आदिवासियों का वर्ग, पिछड़े समुदायों का बहुत बड़ा वर्ग, जो रात दिन उनको भक्ति उनके अंदर जगा करके, और जिस तरह से उस भक्ति के माध्यम से उनके अंदर सांप्रदायिकता एक पैदा करना, एक वो टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कई जगहों पर हम ये देखते रहे कि जहां हिंदू मुस्लिमों के आपस में दंगे होते हैं, जैसे मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूं और मेरठ में बहुत सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं। पहले वीएन राय साहब तो वहां मौजूद हैं, एसएसपी रहे हैं गाजियाबाद, यहां पर मेरठ के, गाजियाबाद के भी यहां पे, तो इनको अच्छी तरह पता है सारा यहां का, इस क्षेत्र का, अलीगढ़ में, मेरठ में, यहां जो दंगे होते थे, दंगों में मुसलमान और दलित वही आपस में लड़ते थे, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई बनिया, कोई नहीं होता था, ये दलित और ओबीसी के लोग होते थे, उनकी मुसलमानों की आपस में लड़ाई होती थी। तो ये जो चेतना है, जब तक हम उस फ्रंट पर काम नहीं करते, तब तक हम समाज को इस तरह से जागरूक नहीं करते और उसको उपेक्षा करके, तो ये तब तक हम सांप्रदायिकता के जो सवाल हैं, जो सांप्रदायिकता का जो जिस चीज को हम मुद्दों को उठाना चाहते हैं, जो समाज को हम इस तरह जोड़ना चाहते हैं, वो थोड़ा कठिन रास्ता है, हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं क्योंकि पहले ही आदेश हुआ है ज़्यादा बोलना नहीं है, तो मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं भोजन और आपके बीच में खलनायक बिल्कुल नहीं बनना चाहूँगा। धन्यवाद।